सभी को जय हिंद, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम टाइप्स ऑफ जॉइंट पार्ट टू पर बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट की और उसमें कौन कौन से जोड़ आते हैं, हम उन पे बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं अभी दो दिन से कल वाली क्लास मैंने PPT पे ली और आज वाली क्लास मैं PPT पे ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, उसी के कारण मैं बोर्ड क्लासेस अभी नहीं ले रहा हूँ। कोशिश करूँगा कल की क्लास में आपकी बोर्ड पे ज़रूर लूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं। पहले हम देखते हैं इमूवेबल जॉइंट में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। इमूवेबल जॉइंट को हम बोलते हैं अचल संधि, और इसे सिनार्थ्रोसिस जॉइंट भी बोला जाता है, और इसे हमने बताया था फिक्स जॉइंट भी बोला जाता है और फाइब्रस जॉइंट भी बोला जाता है। अचल संधि को तीन प्रकार में बांटा गया है, मतलब इमूवेबल जॉइंट को तीन प्रकार में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सूचर, दूसरा है सिंडेस्मोसिस और तीसरा हमारा है गम्फोसिस। पहला कौन सा है? सूचर, दूसरा है सिंडेस्मोसिस और तीसरा हमारा है गम्फोसिस। ये इमूवेबल जॉइंट के प्रकार हैं। अब हम देखते हैं सूचर में क्या है। सबसे पहले आता है सूचर। सूचर के अंदर शॉर्ट फाइबर पाए जाते हैं, मतलब छोटे तंतु पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? स्कल जॉइंट, मतलब स्कल जॉइंट जो हमारा क्रेनियल भाग है, कपाल जिसको हम बोलते हैं, उसमें 8 हड्डी होती हैं, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पेनाइड और इथोमॉइड। वो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं ताकि उसमें कोई भी मोमेंट नहीं होता है, और वो जो बीच में जोड़ होता है, वो जिससे आपस में जुड़ी होती हैं, उसको हम सूचर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा उदाहरण कौन सा है? स्कल जॉइंट। अब हम आगे देखते हैं सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं सिंडेस्मोसिस। इन्हें लॉन्ग फाइबर भी कहते हैं या लॉन्ग फाइबर इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर लॉन्ग फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो इसमें उदाहरण है इन्फीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट, मतलब जो हमारा टीबिया और फिबुला का जॉइंट है, टीबिया और फिबुला की बात, इन्फीरियर माने होता है निचला। ठीक है, टीबिया और फिबुला की मैं बात कर रहा हूँ, इन्फीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट। जो टीबिया और फिबुला जब नीचे जाती हैं एंकल जॉइंट के पास, उससे थोड़ा सा ऊपर वो आपस में, दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इन्फीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट। ये हमारे शरीर में एक ऐसा जॉइंट होता है जो चल संधि के पास मौजूद होकर भी कोई भी गति नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा हमारा आता है गम्फोसिस। गम का मतलब होता है मसूड़े। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा आता है वो आता है पैग एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अंदर जो उदाहरण है पैग एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे हम दांतों का जोड़ ही बोलते हैं। गम का मतलब होता है मसूड़े तथा पैग का मतलब होता है दांतों का नुकीला भाग। ठीक है, जब दांतों का नुकीला भाग होता है वो हमारे मसूड़े से फंसा होता है। ठीक है, अब हम इमूवेबल जॉइंट में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल थे? स्कल जॉइंट, फिर हमारा इन्फीरियर टीबियो फिबुलर जॉइंट, फिर हमारा पैग एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे तीन जॉइंट हैं उसके अंदर, और वो सूचर और सिंडेस्मोसिस और गम्फोसिस, ये हमारे टाइप्स हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्लाइडली मूवेबल जॉइंट की। स्लाइडली मूवेबल जॉइंट में फाइबर प्लस कार्टिलेज दोनों पाए जाते हैं। कार्टिलेज तीन प्रकार के होते हैं या जोड़ों के पास हड्डियों पर चढ़े होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हड्डियों पर कौन सा आवरण चढ़ा होता है, तो उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, हम कार्टिलेज पर पहले बात करेंगे। कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला कार्टिलेज होता है हायलाइन, हायलाइन कार्टिलेज, फिर दूसरा फाइब्रो कार्टिलेज होता है, फिर तीसरा कार्टिलेज होता है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। ये तीन प्रकार के कार्टिलेज होते हैं। स्लाइडली मूवेबल जॉइंट, जिसे हम अर्धचल संधि भी कहते हैं, इनको दो प्रकार में बांटा गया है। वो प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार है सिनकोंड्रोसिस, दूसरा है सिम्फेसिस। सिनकोंड्रोसिस और दूसरा है सिम्फोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब हम नंबर वन जो हमारा है सिनकोंड्रोसिस, उसकी हम बात करते हैं। सिनकोंड्रोसिस, इसमें हायलाइन कार्टिलेज होते हैं। हायलाइन कार्टिलेज जो हमारे होते हैं वो मजबूत तंतु होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है ग्रोथ प्लेट्स, मतलब लंबी हड्डियों के सिरों पर यह चढ़ा होता है। जो ग्रोथ प्लेट्स होता है ये लंबी हड्डियों के ऊपर चढ़ा होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टर्नम प्लस रिप्स। हम यहाँ पर जो मैंने लिखा है स्टर्नम प्लस रिप्स, मतलब जो हमारी रिप्स होती हैं वो स्टर्नम से फंसी होती हैं। ठीक है, कई बुक में दिया होता है एग्जाम्पल में, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट में एग्जाम्पल में दिया होता है रिप्स। हम रिप्स को यहाँ पे पकड़ेंगे।
पर स्टर्नम प्लस रिब्स, मैंने इसलिए लिखा है कि रिब्स जो हमारी होती हैं वो स्टर्नम से फंसी होती हैं। अब इसी में आगे देखिए, रिब्स हल्का हल्का मूवमेंट करती हैं, अगर यह मूवमेंट ना करें तो श्वसन क्रिया नहीं होगी। रिब्स में मूवमेंट होता है, पर कैसा मूवमेंट होता है? हल्का हल्का मूवमेंट होता है, ठीक है। अगर उसमें मूवमेंट ना हो तो हमारा श्वसन क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल इसमें है रिब्स। अब बात करते हैं अपने सेकेंड नंबर की, उसको हम बोलते हैं सिम्फेसिस, ठीक है। इसमें फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं, इसमें फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं, मतलब जो नंबर दो पे मैंने बताया था कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, ये रंग में सफ़ेद होते हैं और इलास्टिक होते हैं ये भी, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल है वो है प्यूबिक सिम्फेसिस, मतलब कूल्हे का ये निचला भाग होता है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फेसिस कहाँ होता है? कूल्हे का निचला भाग होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखे हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, जो हमारी वर्टिब्रल होती हैं, जो वर्टिब्राज होती हैं, ठीक है, उनके बीच में कार्टिलेज होता है। आपने देखा होगा हमारी जो वर्टिब्राज होती हैं उसमें बीच बीच में उसमें कार्टिलेज होता है, ठीक है। वो कार्टिलेज कौन सा होता है? हमारा फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ठीक है। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।